तवन गल करते हैं अकाली दल दी ता आज बिक्रम मजीठिया दो सीटा तो नामजदगी दाखिल करन जा रहे ने ते आज वड्डा दिन है क्योंकि अमृतसर पूर्वी जिस तरह उन्होंने उम्मीदवार ऐलाना जाता है सरदार सुखबीर सिंह बादल वालों हाल ही दे विच अमृतसर पूर्वी तो उम्मीदवार ऐलाना जाता है ता हॉट सीट बनी हुई है अमृतसर पूर्वी नवजोत सिद्धू खिलाफ चोन लड़न जा रहे ने अमृतसर पूर्वी तो अपने हल्के मजीठिया तो भी अज नामजदगी पत्र है दाखिल करन जा रहे ने ता पहले सवेरे 11 बजे मजीठिया तो नामजदगी पत्र दाखिल करेंगे तो उस तो बाद 12 बजे अमृतसर पूर्वी तो अपना नामजदगी पत्र दाखिल करन देता। आज बिक्रम मजीठिया दी नॉमिनेशन है जिस तरह तीसरा दिन है अज नामजदगियां भरन दा सिलसिले की शुरुआत हो चुकी है। 20 फरवरी नूं पंजाब दे विच वोटां पैणी है ते सियासी हलचल लगातार बरकरार है ते अज बिक्रम मजीठिया नॉमिनेशन अज उन्हां दी नॉमिनेशन अज नामजदगी पत्र मजीठिया अज भरन वाले ने तो तुहानूं दस दिए कि कल दे दिन ही सुप्रीम कोर्ट वालों बिक्रम मजीठिया नूं वड्डी राहत मिलती है जो तक जदों उन्हां दी गिरफ्तारी ते 31 जनवरी तक रोक लगा दी जाती है। हाल ही दे विच ड्रग्स मामले दे विच सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई चल रही थी तां सुप्रीम कोर्ट वालों कल वड्डी राहत दी जाती है 31 जनवरी तक गिरफ्तारी ते रोक लगाई जाती है। तो अज अमृतसर पूर्वी विच किस तरह का माहौल है वह भी जरूर जान लेंदे हैं क्योंकि हलचल लगातार बनी हुई है जदों सियासी भूचाल उस वक्त आंदे जदों सुखबीर सिंह बादल नवजोत सिंह सिद्धू खिलाफ बिक्रम मजीठिया नूं अकाली दल तो चोन मैदान दे विच उतार देंदे ने तां किस तरह का माहौल है अज अमृतसर पूर्वी दे विच क्योंकि बिक्रम मजीठिया ने अज अपनी नॉमीनेशन फाइल करनी है तां जान लेंदे हैं। मेरे सहयोगी सुखचैन सागर अमृतसर तो इस वक्त मेरे नाल फोन लाइन ते जुड़े हुए ने। अमृतसर पूर्वी हॉट सीट बन चुकी है सुखचैन ते अज दा किस तरह दा माहौल है क्योंकि अज बिक्रम मजीठिया ने अपनी नॉमिनेशन फाइल करनी है। सब तो हॉट सीट रहेगी पूरे पंजाब दे विच क्योंकि अज बिक्रम सिंह मजीठिया वालों पूर्वी दे विच भी अपनी नॉमिनेशन फाइल करनी है। पहले मजीठा दे विच 11:30 बजे का टाइम है उसे पहले अपनी फाइल जी नॉमिनेशन करेंगे तो उस तो बाद अमृतसर पूर्वी जिथे कि नवजोत सिंह सिद्धू खड़े ने जिथे कि लगातार चैलेंज चल रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू के इलाके दे विच नवजोत अपना बिक्रम सिंह मजीठिया चोन लड़न का जित बिल्कुल मिलेगी। तो देखना आएगा कि पंजाब के लोग हुण की चाहते हैं हल्का पूर्वी के लोग की चाहते हैं तो यह देखने वाली गल होगी। पर पूरे पंजाब दे विच हुण एक होण दी लड़ाई जी शुरू हो चुकी है वह है हल्का पूर्वी अमृतसर दे विच। अमृतसर दे विच देखते हैं कि आने वाले समय दे विच की बनता है किस तरीके दे नाल हालात बनते हैं। पर अज नवजोत सिंह सिद्धू के इलाके दे विच बिक्रम सिंह मजीठिया पैर रख रहे हैं तो उन्होंने वालों अज पहली बार देखने को मिलिया होगा कि इस जगह अमृतसर पूर्वी विच इस तरीके दे नाल लड़ाई लड़ी जाएगी। तो हुण वक्त दा इंतजार रहेगा पंजाब के लोगों की जित कि होंगी है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू भी कितना कि अपने आप दे विच कुछ कहलवांदे ने कि मैं जित प्राप्त कर सकता हां। इस तरीके दे नाल ही बिक्रम सिंह मजीठिया वालों भी कहा जा रहा है पर हुण वक्त दस्सेगा। जी ग्राउंड रिपोर्ट की कह रही है उस इलाके की। बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट की गल की जाए तो ग्राउंड दे विच तां असीं कह सकदे कि जदों चोणां आउंदियां ने तां चोणां दे कुछ समय पहला ही हवा चेंज होण लगी जिहड़ा टाइम नहीं लगता कि कहड़े वेले हवा चेंज होगी लोग किहनूं पसंद करदे। कई वारी दिमाग दे विच लोकां दे इस तरह आंदा कि पहला पूरा महीना एक बारे सोच दिंदे जदों वोट पा जांदे ते मौके दे उत्ते उह निशान जिहड़ा उह दूसरा रख दिंदे ते इस तरह दा माहौल जिहड़ा बन जांदा। पर इन्ना वा कि असीं कह सकदे कि यूथ जिहड़ा वा इस वेले जुड़िया होया वा बिक्रम सिंह मजीठिया ना ते जे दूजी गल असीं नवजोत सिंह सिद्धू दी करिए तां नवजोत सिंह सिद्धू दे आपणे जिहड़े आ ਉਹੋ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਅਜਿਹੀ ਅਣਬਣ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਵਕਤ 20 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖਚੈਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਚੋਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ਼
चोन लड़नगे। आज दी वड्डी खबर है, बिक्रम सिंह मजीठिया आज अपने नामजदगी पत्र दाखिल करन जा रहे ने। सब तो पहले 11 बजे मजीठिया हलके तो दाखिल करेंगे, फिर अमृतसर पूर्वी तो नामजदगी पत्र दाखिल करेंगे। ता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वालों माफ करना सुप्रीम कोर्ट वालों वड्डी राहत दी गई है, उन्होंने गिरफ्तारी ते 31 जनवरी तक रोक लगाई गई है। ते आज नामजदगी पत्र नॉमिनेशन फाइल की जाएगी बिक्रम सिंह मजीठिया वालों अपने दोनों सीटा तो जितों वह चोन मैदान के उतरन वाले ने।